दिस इज द वीडियो क्वालिटी ऑफ वीवो V27। यू कैन सी द ब्यूटीफुल वीडियोस, सो काफ़ी अच्छा है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो फ्रॉम माय वीवो V27 प्रो न्यू सेल फोन विच इज रिसेंटली लॉन्च इन Feb 2023, राइट। सो फ्रंट कैमरा इज 50 megapixel, बैक कैमरा 50 megapixel, दैन 8 megapixel, दैन एडिशनल आई थिंक सम 2 megapixel, टोटल ट्रिपल कैमरा इज देयर, राइट, टू विच आई शो यू इन फोटोज, राइट। एंड आई डिड नॉट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स, बिकॉज जब तक आप लोग सेल फोन यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट अनबॉक्सिंग देखेंगे यूट्यूब पे, तो वो जस्ट फन के लिए। If you want to buy, you know, latest cell phone which can, you know, work and work for long last, some for 3 to 4 years. Like earlier, I having this OnePlus 60, so it worked for some four years. So still now it's working very good. So मुझे भी ऐसा एक cell phone चाहिए था, right? लोकल Vivo 10,000, 12,000 का मैंने बहुत यूज़ कर लिया, Samsung भी यूज़ कर लिया, but अभी ने Vivo ने जो लॉन्च किया है V27 Pro, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने एक ही शॉट में इसको ले लिया। कल ही मैं इसको लेके आया जस्ट सेवुड से। सो बाहर में इसलिए आया बिकॉज मेरे को दिखाना था कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वो आपको मैं दिखाना चाहता था। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं पीछे उतना कुछ अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, बट इफ़ यू सी द नेचुरल कलर यू कैन ईजीली विजुअलाइज कि हाँ यार ऐसा मतलब क्वालिटी है। सेम रेंज में आपको 11R भी आ जाएगा, रेंज में बोलूँगा नहीं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट माय बैकग्राउंड यू कैन सी, 50 megapixel कैमरा काफ़ी अच्छा है। आपको मैं इसका बैक कैमरा भी दिखाऊंगा और डुअल रिकॉर्डिंग आल्सो इट प्रोवाइड, और नाइट व्यू भी इसका काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा इसका। तो जब भी नाइट में एक शूट करूँगा, कोई वीडियो बनाऊँगा, तो डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा। बस जस्ट बाहर आया बिकॉज इसीलिए कि अच्छी सी वीडियो डालनी थी कि यार इसका कैमरा कैसा है करके, राइट। अनबॉक्सिंग तो बहुत जगह आप देख लेते हैं, तो एक्चुअल क्वालिटी जो है वो आपको भी दिख रही है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव, क्या बोल सकते हैं, लाइव जब जाऊँगा तो लाइव अलग बात होगी, बट रिकॉर्ड अभी जस्ट करके पोस्ट कर देगा मैं आपको। तो रिकॉर्डिंग कैसी लगी आपको ये बताइएगा, क्वालिटी कैसी है इसकी। 50 megapixel इज क्वाइट गुड आई थिंक, यू कैन सी द नेचुरल कॉन्ट्रास्ट, नेचुरल कैसा कलर इस पर उभर के आ रहा है। तो मेरा मेन एम ये था कि इसकी क्वालिटी आपको दिखानी थी, मेनली इसलिए मैंने लिया है यार वीडियोस और पिक्चर्स के, बिकॉज मेरे पास नहीं था, फॉरन टूल्स हो जाते थे, पिक्चर्स अच्छी क्लिक नहीं होती थी, वीडियोस नहीं बनती थी। कैमरा जो है मेरा GoPro हो गया, कैमरा हो गया, उसको लेके घूमना मतलब टू हैक्टिक। तो एक अच्छा सेल फोन चाहिए, और आपको एक अच्छा सेल फोन चाहिए इन द रेंज ऑफ 30-40K। सो दिस इज़ अ गुड सेल फोन, डिपेंड ऑन यू कि आपको वन प्लस पसंद आता है आईफोन लेने का, आईफोन भी ले सकते हैं, रेस में क्या है, लेकिन आईफोन का तो आपको प्रॉब्लम पता ही है। तो ये व्यू है मेरे कुछ बैक साइड का मेरे फ्रंट कैमरा से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये फ़ोन वीवो V27 Pro, राइट। चलिए फिर मैं आपको उसका बैक कैमरा का भी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, राइट, जैसा भी आपको लगेगा वीडियो अच्छी लगी तो। डिटेल थोड़ा बहुत डाल देगा, डिटेल का इतना कुछ है नहीं, लाइट में भी आपको दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है बताइएगा। और जर की मूवमेंट नहीं है इतना, मतलब शेक करने के बाद भी कैमरा अगर आप शेक करते हो तो स्टडी रहता है। माय बैक साइड मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, वो लग रहा है कि चल जाएगा, चार साल तो चल ही जाएगा मिनिमम, राइट। 11R भी ऑप्शन था पर मैंने देखा नहीं 11R, इसका मुझे काफ़ी अच्छा लग गया फीचर्स, तो आई जस्ट बाय दिस वन। शेड में भी देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा है मैं तो कहूँगा। तो फिर चलिए आपको मैं इसका बैक कैमरा दिखा देता हूँ, राइट। बैक कैमरा दिखाने के बाद जैसा भी आपको लगेगा आपको लेना है कोई अच्छा सेल फोन, तो ये एक आपका अच्छा ऑप्शन है, राइट, 40 की रेंज में। तो दिस इज़ अ बैक कैमरा फ्रेंड्स,
यू कैन सी द क्लियरिटी, सो ब्यूटीफुल। 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा, देखते हैं शेक होता है कि नहीं होता है, इतना स्टडी जाता है। तो मेरा हैंड इतना शेक नहीं हो रहा, तो मोस्ट प्रोबली मे बी इट विल बी स्टडी। लाइट में भी काफ़ी अच्छा, मतलब जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं।